हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठा था ऐसा पापी इंसान जो सालों से बच्चों को दे रहा था जहरीला ज्ञान। श्रीराम के ननिहाल में रची जा रही थी ऐसी साजिश, अयोध्या तक पहुंचती आज तो मच जाता बवाल। उधर सीएम मंदिर में भजन कर रहे थे, इधर हेडमास्टर दर्जनों बच्चों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जब श्रीराम जानकी के दिव्य दर्शन कर रहे थे। पीएम मोदी अयोध्या में रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर बड़ा प्लान बना रहा था और हैरानी इस बात की है कि वो इस प्लान में कामयाब हो गया। जब पुलिस उसे गिरफ्तारी करने पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने दर्जनों बच्चों को अपने साथ लेकर एक ऐसी कसम खाई थी जिसकी आँच अयोध्या तक पहुंचती तो बवाल मचना तय था। अगर योगी के शहर में ऐसा कुछ होता तो वो सीधा कहते कि इसके लिए कोई स्पेशल बुलडोजर मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर रतन लाल सरोवर ने जो किया है वो एक बड़ा गुनाह है। 2 मिनट का पूरा वीडियो आप भी देखिए और सुनिए कि कैसे उसने एक एक सेकंड पर एक एक चुभने वाली बात कही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान विष्णु बुद्ध के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा तथा न ही कभी पिंड दान करूँगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूँगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। हिंदू संगठन की विरोध और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है और शिक्षा विभाग के सस्पेंशन का लेटर भी जारी हो चुका है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसी बातें करने वाले शिक्षक या प्रिंसिपल अगर स्कूल में होंगे तो बच्चों का क्या होगा? ऐसे लोगों को क्या सिर्फ सस्पेंड करना उचित है या भारत में भी ईश निंदा कानून आना चाहिए? कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि सनातनी सहनशील हैं, इसीलिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं।